हाँ तो बंधुओ हाँ जी हाँ साहब, जिस प्रकार से शांति बना रखे आनंद लेते रहे उसी प्रकार शांति बना रखे के ऐसो को जग माही और प्रभुता ताए मद नाही के चिंता स्यापिन को नहीं खाया और ऐसो जग में कोई जो बापी नहीं माया। तो बंधुओं नारद जी भी ये कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर लिया है, लेकिन जब विष्णुहरि स्वयंवर में पहुंचे तो उनको भी मोह हो गया और पार्वती जी के रूप को देख करके और समुद्र को भी मोह हो गया। इसी प्रकार दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे और उनसे केवल 5 ग्राम मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि मैं एक सुई की नोक की बराबर नहीं दे सकता। इसी प्रकार और जब रावण को अपमान हो जाता है तो वो रानी मंदोदरी को जो लंका की सबसे ऊपर की मंजिल थी उस पर खड़ी कर लेता है और बाण के द्वारा जो उसकी नथ की बारी थी उसमें से बाण निकालने लगता है। ये अभ्यास रोजाना करता रहता है तो रानी को बड़ी चिंता होती है और रानी से कहने लगता है कि अगर मेरे बराबर कोई योद्धा इस संसार में है तो मुझको बतलाओ। और क्या कहने लगता है बंधुओं रावण से,
और रावण रानी मंदोदरी को तीसरी मंजिल पर खड़ी करके और उसके नतकी बारी में से बाण निकालने लगता है, तो रानी को किस प्रकार से समझा रहा है? तू है मंदोदरी को इस विषय को लेकर बड़ी चिंता होती है और वो सोचने लगती है, अगर इसका उपाय मैंने नहीं किया तो मेरे प्राण संकट में हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। तो बंधुओं, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ और इस प्रश्न को रखती है कि हे सहेलियों, मेरे साथ ये घटना प्रतिदिन होती है। तो सहेली उनके लिए और उपाय बताती हैं कि आप जितने भी योद्धा हैं, उन्होंने कई योद्धाओं के नाम बताए और लास्ट में उन्होंने बताया कि बैन चक्र जो राजा है उसके नाम का चुग्गा आप डालना, अगर वो चुग्गा कबूतर खा जाए